देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। आपको बता दें कि लालू यादव के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अहम है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामलों में हाईकोर्ट के जस्टिस रूपेश अमरेश कुमार सिंह की अदालत में दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, क्या है पूरा मामला? चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू यादव के लिए आज अहम दिन है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां का माहौल कैसा है? देखिए, यहाँ पर उनके जो वकील है प्रभात कुमार जी, उनके घर पर जितने भी मीडिया हैं वो पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पहले ही 5 तारीख को जो डेट था उसको बढ़ा करके 12 तारीख को किया गया था, यानी आज किया गया था। उसके बाद जो दुमका मामले में हाफ ईयरली पर ये सुनवाई होनी है, ये जो प्रभात कुमार का कहना है कि आधी सजा वो काट चुके हैं, उसके आधार पर हम लोग ने फाइल दायर किया, जमानत याचिका दायर की है कि उसके बाद वो अगर उनको जमानत मिल जाती है, 3 मामले हैं जो उसमें जमानत मिल चुकी है इसी आधार पर, और आज उनको अगर जमानत मिल जाती है तो फिर छूट जाएंगे और अपने घर जा सकते हैं। मगर मैं आपको अभी बता दूं कि अभी सुनवाई आज 16वें नंबर पर है, उनका सुनवाई होनी है। मगर अभी कुछ लोगों का यही कहना है कि डेट आगे भी बढ़ सकता है, जिस तरह से पीछे को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़ सकता है या फिर सुनवाई हो, जमानत हो सकती है। मगर अभी सस्पेंस नहीं है, अभी अब जब तक उधर से कोई वकील का बयान कुछ नहीं आता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आज ही जमानत हो जाएगी या फिर डेट आगे बढ़ेगा। कृष्णा, फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर माहौल काफी गर्म था, क्या कुछ अपडेट है उनके तबीयत को लेकर? देखिए, अभी उनकी तबीयत में स्थिति सुधार है, पहले से बेहतर है, उनको बेहतर इलाज के लिए आप सभी को पता है कि रिम्स से वहाँ एम्स शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज, पहले से जो रिम्स में जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति है। अब देखिए कब तक उनको फिर से, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज है कि जो यहाँ पर उनका लिए जो कमरा रिजर्व रखा गया था वो आज भी रिजर्व है, क्योंकि जैसे ही वहां से उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है तो फिर उनको रिम्स में लाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक वो वहां से उनकी स्थिति में सुधार आ जाता है तो फिर उसके बाद रिम्स लाया जाता है। कृष्णा, लालू यादव के वकीलों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी कुछ बयान नहीं आया है, जब तक उधर से अभी बहस चल रही है, सुनवाई चल रही है, अगर उसके बाद क्या होता है, क्या बात हुई कोर्ट में, क्या जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जमानत उनको मिल गई। मगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं कि जो इसी उम्मीद में है कि आज अगर उनको जमानत मिल जाती है तो, जैसे पहले ही लोग कहते आ रहे हैं कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव की जमानत हो जाएगी उस दिन उसी दिन होली और दिवाली हो जाएगा, अबीरे उड़ाए जाएंगी, मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी तमाम तरह की। मगर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मगर जो भी कार्यकर्ता है आरजेडी के प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अहम है।